ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ದೇವರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು मुझको जी भर कर सदामा कदम अल्लाह मिलाना यानी हमको कोई हर मुसीबत नहीं पहुंच सकती मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है लिखा है अगर इमाम अहमद अगर लिखा है अगर हाथी पर मार दी तो हाथी की चीखें निकल जाती लेकिन इमाम अहमद इतने अम्बल के बदन पर हरकत तक ना आई थी आखिरकार उसी हालत में शहीद हो गए सुभान अल्लाह ऐसी बात तुझे और क्या चाहिए रब के प्यारे तुझे और क्या चाहिए तुझको और उनका बहुत बहुत पूरे महफिल के सामने पूरे अदमिया के सामने मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो अगर मैं उनके साथ कोई सख्ती बर्ताव की हो तो मैं उनसे माफी भी चाहता हूँ मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ आज वो लेवल पर है हमारा इदारा इंग्लिश में वो हर कोई भी उनका सवाल जवाब नहीं कर सकती भी आपका हाँ मेरा और आपका है पहले मेरा और आपका है हमारे नसीरुल्लाह साहब जनाब नाम लीजिए नसीरुल्लाह साहब हाँ कारी मुदस्सिर साहब जनाब मुश्ताक साहब जनाब मुश्ताक साहब अपने और किसी का नाम शमीर साहब और अच्छे दोस्त है माशाल्लाह हमेशा दुआओं से नवाजते रहते हैं सिदारा के बहुत खैर खाए उनसे गुजारिश है कि मुझे मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम सल्ली अला नबी मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर रहीमीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु आज का जो ये छोटा सा प्रोग्राम था इसमें 18 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हर साल की तरह हर साल में 17 18 कभी 20 21 और 15 से नीचे तो नहीं होते 15 के ऊपर ही होते आज का जो जलसा ये मुख्तसर सा जो जलसा किया गया है उसमें 18 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं हमारे दीन के यानी के पिलर समझो ना उसमें इजाफा हुआ है कि फिर से 18 बच्चे यहाँ पे हाफिज़ कुरान बने हैं अरे आप अभी इस प्रोग्राम में आप पहले से हैं आप ये देखें ना यहाँ पे ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई बात की गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ और चलता है यहाँ पे देखो कर्ना की तालीम हो रही है इंग्लिश की तालीम हो रही है यहाँ पे देखो आप हमारा हर तालिबिन जो भी है बच्चा अंग्रेजी में बात करता है जो बिहार से नॉर्थ साइड से जितने भी बच्चे आए हैं वो आज यहाँ इतना कन्नड़ अच्छा बात कर रहे हैं कि कोई यहाँ वाला भी उतनी अच्छी बात नहीं कर सकता उतनी अच्छी बात कर रहे हैं ये यहाँ की तालीम और तहजीब है
हमारे मदरसे की एक खसूसी एक तहजीब है कि यहाँ पे दीन की भी तालीम हासिल करने का मौका है और दुनियावी तालीम भी हासिल करने का मौका है। यहाँ पे करना भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है, उर्दू भी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, सब जितने भी इलम की चीजें हैं वो यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। अरे ये तो खुशी का माहौल है, इसमें कहने वाली बात क्या है, ये तो खुशी का माहौल है। यहाँ इतनी खुशी हासिल हुई है कि अलबत्ता दुनिया का अच्छे से मालदार इंसान को भी इतनी खुशी हासिल नहीं हुई है जहाँ हमें यहाँ पर इतनी खुशी आज हासिल हुई है। तो सर ये सब हो गया, आए दिन आपके ऊपर कहीं ना कहीं तोहमत लग रही है, कहीं गलत बातें कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं जा रही है नहीं, कहीं जा रही थी। जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब वो बातें उठी थी, ये वो दुनियावी बातें हैं, दीन के मामले से बहुत दूर है वो दुनियावी बातें हैं, सियासत की बातें हैं। और इसके बारे में मैं आपके सामने क्या बयान कर रहा हूँ, इसमें कोई बयान करने की गुंजाइश ही नहीं है। वो दुनियावी बातें थी, वो उठाई जाती थी, और थी और हाँ है में बहुत फर्क है। अरे देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मामला मेरे साथ हुआ, हमारे इदारे के साथ हुआ, जो एक हिंदू को मुसलमान बनाया गया बोल के हमारे ऊपर केस दर्ज किया गया, हमें जेल भी जाना पड़ा, और मुझे इसमें कोई गम नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं जेल गया, हमें थोड़े मुश्किलों से सामना करना पड़ा, इसमें मुझे खुशी महसूस हो रही है। देखो, जो इंसान अल्लाह के करीब होता है उसी का इम्तिहान लिया जाता है, जो अल्लाह के करीब नहीं होता उसका इम्तिहान नहीं लिया जाता। आज अडानी को अंबानी को इम्तिहान देने की जरूरत है क्या? मोदी को बम्बई को देने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों बोले तो, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने तबलीग वाला काम किया था, मैं आगे भी करता रहूंगा, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, मुझे इसमें कोई रंज नहीं है, मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ, अल्लाह ने मुझे पसंद किया, अल्लाह ने मुझे चुना, मैं इसमें अल्लाह का बहुत बहुत मैं शुक्र गुजार हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र गुजारना चाहता हूँ। पूरी दुनिया के मुसलमानों को मेरा तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो भी है साउथ के अंदर एक बनशंगरी के अंदर एक कब्रस्तान के अंदर एक मदरसा, इसका जो शुरुआत हमारे नया साहब हैं के सदर ही, चलो उनको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्त सेहत दे को, आज हमारे साथ हमारी कमेटी के साथ जनिम के पूरे के साथ हमारे सदर साहब नयाज भाई, आज जो भी पूरे कमेटी के साथ करीबन 12 साल हुआ है मदरसा शुरुआत हो को, और करीबन 180-200 बच्चे इसके अंदर मकाम हो पढ़ने गुजारे, इसके अंदर साल को कभी 15-20-25-30 ऐसा हाफिज आलिमा होती। अब इसका सवाब है, हमें बोलने की जरूरत, पूरी दुनिया को होती सवाब है। अब ये इसके बारे में एक जलसा पैदा कर रहे थे, एक जलसे के अंदर हमें मुसलमाना सो गए थे, हम उठा को बिठाए। आज हमारे एक मैं स्टेटमेंट में बोला था, हर हिंदुस्तान आजाद हो इस टाइम पर ये काम हमें करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर, ACP, DCP, डॉक्टर, हर चीज कॉर्पोरेशन के अंदर रहो, भाई रहो, हर चीज सदस्य। आज बिल्कुल 2-3% चलते थे, वो टाइम पर हिंदुस्तान आजाद है, ये काम हमें जो अब कर रही है, अब शुरू करी, ऐसा जब कर डालते आज ये मंजिल पर हमें तकलीफ की मंजिल पर नहीं जाने की जरूरत थी।